वैसे तो दीपावली त्योहार प्रकाश और खुशी का त्योहार है, लेकिन इस 5 दिनी उत्सव के पीछे कई धार्मिक मान्यता और परंपरा जुड़ी है। फिर चाहे वह कितनी भी खतरनाक और जानलेवा क्यों ना हो, आज भी ऐसी परंपरा का निर्वहन जारी है। ऐसा ही एक नजारा इंदौर जिले की गौतमपुरा में देखने को मिला, जहाँ प्रतिबंध के बाद भी योद्धाओं के बीच हिंगोट युद्ध खेला गया। दूसरे दिन धोक पड़वा पर हिंगोट युद्ध की परंपरा को रोकने के लिए पुलिस ने इस बार भी मैदान में अस्थायी चौकी बना दी। प्रशासन ने कोरोना काल का नाम लेकर हिंगोट युद्ध नहीं होने देने के लिए कमर कस ली थी और देखा जाए तो उसमें कामयाबी भी हासिल कर ली थी। वहीं योद्धाओं ने भी रात 11:30 बजे प्रशासन के कुछ देर हटते ही मैदान पर 15 मिनट तक गुर्जर मोहल्ले के प्रमुख नेता को आगे कर अपने पूर्वजों की परंपरा का निर्वाह कर लिया। हिंगोट युद्ध के लिए ना तो किसी ने आवेदन दिया था और ना कोई आयोजक प्रायोजक सामने आया था, इस कारण से कि हिंगोट युद्ध को लोग पसंद नहीं करते हैं। इस बात पर पर्याप्त पुलिस व्यवस्था लगाई गई थी कि कोई असामाजिक तत्व कोई गलत हरकत ना करें, और पुलिस ने उसके लिए फ्लैग मार्च भी किया और जगह जगह फिक्स पॉइंट लगाए गए थे, वाहनों की चेकिंग लगाई गई थी। इस कारण से सारे कार्यक्रम शांतिपूर्ण समाप्त हुआ और कोई भी हिंगोट एक दूसरे के ऊपर नहीं फेंका गया। सब कुछ घरों से हिंगोट छूटे थे हल्के फुल्के, और उस तरह वहाँ पर कोई प्रतिबंध नहीं लग पाया? नहीं, वहाँ पर प्रतिबंध है भी नहीं है। लोग अपने घर से अगर हिंगोट चलाते हैं और किसी के ऊपर नहीं चलाते हैं तो उस पर कोई वो प्रतिबंध नहीं था। सर, इसके अलावा आने वाले वर्षों में अगर युद्ध के लिए कुछ आयोजन होना है तो कुछ इसके बारे में? जी हाँ, वो तो कोरोना के कारण इस बार अनुमति नहीं थी, और भविष्य में अगर स्थिति अच्छी रहेगी, कोरोना का प्रकोप नहीं रहेगा, तो निश्चित रूप से अनुमति दी जाएगी और अच्छे स्तर पर व्यवस्थित तरीके से हिंगोट का आयोजन किया जाएगा।